नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं नेहा बाथम। शुरुआत करेंगे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आप नेता जितेंद्र तोमर के खबर के साथ, जिनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है और फजीहतों के चक्कर में वो फंसते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस आज उन्हें तिकला मांझी यूनिवर्सिटी लेकर गई तो वहां भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जब उन्हें ले जाया गया तो वहां पर उन पर अंडे फेंके गए, चप्पलें बरसाई गई और वहां के जो छात्र थे वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। यहां तक कि तोमर पर स्याही भी फेंकी गई। छात्रों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, अंडे टमाटर से हमला किया और स्याही भी फेंकी। अब जांच के लिए तोमर को भागलपुर ले गई है पुलिस। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री तोमर पर इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्याही फेंकी गई। तोमर के खिलाफ यहां पर काफी गुस्सा दिखाई दिया। फर्जी डिग्री केस में आपको बता दें इस वक्त रिमांड पर चल रहे हैं तोमर। और ज्यादा जानकारी के साथ सुजीत झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, जिस तरह से आज जितेंद्र तोमर पर स्याही फेंकी गई, अंडे बरसाए गए, जाहिर तौर पर आगे भी जब उन्हें जांच के लिए ले जाया जाएगा तो अब उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी जाएगी इसके मद्देनजर। बिल्कुल नेहा, सुरक्षा कड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से आज छात्र संगठनों ने, कोई एक छात्र एक पार्टी का संगठन नहीं था, इसमें तमाम एबीपी, छात्र समागम, जनता दल यू का और जो आईसा है उसके कार्यकर्ता लगातार यहां पर जब से आने की सूचना मिली थी तोमर के, तब से वो जमे हुए थे। लेकिन शुरू में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, बाद में बिहार पुलिस ने सुरक्षा में लिया इसे और तोमर को दूसरे रास्ते से निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके उन पर मोबिल डाला गया काली के तौर पे और बाद में धक्का धुकी भी हुई, चप्पल भी फेंके गए। तो तमाम तरह के जो गुस्सा था लोगों का वो प्रदर्शित होता है इसे जरूर, लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है वो जरूर सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा पर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो तोमर की मुश्किलें खत्म होती नहीं दिख रही, एक तरफ पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है, ऊपर से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वो भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में है जहां उन्हें लेकर दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। आज की खास बात यह रही कि जब उन्हें विश्वविद्यालय लाया जा रहा था वहां छात्रों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उन पर टमाटर और अंडे तक फेंके गए। केजरीवाल के विवादित विधायक जितेंद्र सिंह तोमर को दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के लिए जब भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी ले जाया गया तो वहां भी छात्रों के विरोध और नारेबाजी से उनका सामना हुआ। तोमर पर टमाटर और अंडे तक फेंके गए। छात्रों का आरोप है कि तोमर के नाम पर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की साख पर बट्टा लगा है। यहाँ से न जाने कितने सैकड़ों हजारों लोग पूरे देश और दुनिया में आज जाकर इस विद्यालय की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने फर्जी तरीके से एक डिग्री का उन्होंने सैंपल छपाया और दिल्ली के कानून मंत्री बने हैं, उसी बात के विरोध स्वरूप आज यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह की बदनामी हुई है तिलका मांझी विश्वविद्यालय को लेकर, इससे छात्र संगठन काफी आहत हैं, नाराज हैं और यही वजह है कि यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि जितेंद्र सिंह तोमर को अभी दिल्ली पुलिस लेकर अंदर गई है और वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। इससे पहले जितेंद्र सिंह तोमर को मुंगेर के विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान में घंटों तक रखा गया। उनसे पूछा गया कि वो परीक्षा देने के दौरान मुंगेर के किस होटल में रुके थे, वो कितनी बार मुंगेर परीक्षा देने आए, मुंगेर में उनके कौन कौन से रिश्तेदार रहते हैं। हालांकि तोमर ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। तोमर को लेकर मुंगेर पहुंची दिल्ली पुलिस ने वहां 3 घंटे तक कॉलेज में कागजात की पड़ताल की। इधर दिल्ली में बीजेपी ने लगातार तोमर के खिलाफ अपने मोर्चे को मजबूत रखा है। ब्रिटानिया चौक और जितेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। अब तो मनीष सिसोदिया के रिट्वीट के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तोमर से नाराज हैं। सूत्रों की माने तो तोमर से पूरे मामले में पार्टी को धोखे में रखने के लिए लिखित सफाई मांगी गई। पूरा मामला आंतरिक लोकपाल को दे दिया गया है, उसमें क्या क्या तथ्य है विद्यालय से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से प्राप्त होंगे, उसके लिए पार्टी भी पूरा मामला इकट्ठा करके अपने ढंग से उस पर निर्णय लेगी।
तोमर का फर्जी डिग्री मामला अब आप सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। इंतजार अब जांच के नतीजों पर टिका है। दिल्ली से रजत सिंह के साथ सुजीत कुमार झा, भागलपुर आज तक।